सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे जी की जन सेवा संस्था के कार्य से प्रभावित होकर काफ़ी लोग उनसे जुड़ रहे। बता दें कि हाल ही में जन सेवा संस्था ने कुछ दिन पहले 5 लाख से ज़्यादा कृत्रिम अंग बांटे थे और ये सेवाएं जल्द ही उल्लासनगर में शुरू करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के महासचिव अमित वाधवा ने उनसे आग्रह किया। उसके साथ ही महेश तपासे ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी सेवा उल्लासनगर में शुरू की जाएगी। वहीं यहां के कैंप क्रमांक 3 के रमाबाई अंबेडकर नगर परिसर में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए महेश तपासे ने कहा कि जल्द ही उनकी सेवा उल्लासनगर उनकी संस्था की सेवा उल्लासनगर में शुरू की जाएगी, जिसका लाभ उल्लासनगर के काफ़ी लोगों को मिलेगा। बता दें कि उनकी सेवा उल्लासनगर को छोड़ बाकी कई शहरों में सक्रिय है। बता दूं कि तपासे जी जो कि राष्ट्रवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, कोई ऑफिशियल विजिट पे नहीं आए थे, कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। उनकी जन सेवा संगठन काफ़ी सारे शहरों में सक्रिय है। तो कुछ दिन पहले उन्होंने 5 लाख के ऊपर के कृत्रिम अंग लोगों में बांटे, जिससे मैं बहुत प्रभावित था। मेरा ऐसा मानना था कि काफ़ी सारे शहरों में उनकी सेवाएं उपलब्ध है, उल्लासनगर को छोड़ के। अगर उल्लासनगर में सेवाएं आती हैं तो शहरवासियों को उनका लाभ मिलेगा। यही देखते हुए मैंने उन्हें आग्रह किया कि आप इन सेवाओं को उल्लासनगर में लेके आइए, आप पर्सनल उल्लासनगर विजिट कीजिए। उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया, उनके लिए उनका धन्यवाद। कल वो ऑफिस आए थे, शहर के विजिट अलग अलग स्थानों पर चले थे, उनको देख के लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। तपासे जी ने उनको पर्सनल आश्वासन दिया है कि थोड़े ही दिनों में बहुत जल्द से जल्द वो उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे और शहर के लोगों से जुड़ेंगे। इसके लिए जो भी उन्हें प्रयास करने पड़े उनके लिए वो अवेलेबल होंगे। मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। आए, थैंक यू। आयोजन के लिए श्री शिंदे, सौ शिंदे, अमित वाधवा, आमचे सचिन गांधीजी, मुन्ना भाई, या परिसरातले सर्व नागरिक बंधू भगिनी आणि तरुण मित्रांनो, खरं तर उल्लासनगर वाले किती बनेल मला आज कळलं। त्यांनी मला सांगितलं 5 मिनिटं चला, आपल्याला दोन तीन लोकांच्या घरात जायचंय आणि अख्खी वस्ती इकडे आणून ठेवली तर मला माहितच नव्हतं। म्हणजे उल्लासनगरचं प्रेम हे माणसाच्या काळजातलं दिसून येतं। मैं हिंदी में बोलता हूँ कि उल्लासनगर के लोग बिजनेस में जितना अच्छा बात करते हैं उतना दिल में भी कितना उनका प्यारा आज मुझे दिखाई दिया। वास्तविक इन्होंने मुझे बोला कि 2 मिनट चलिए अपने एक दो लोगों के घर पे जाने का है, तो इतने लोग यहाँ पे रहेंगे मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन आप लोग आए और यहाँ पे स्वागत कर किया। बिहार में भी मुझको जाने का मौके मिला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं हर कार्यक्रम के पहले सबसे पहले कोविड योद्धाओं को श्रद्धांजलि देता हूँ। उसमें हमारे पुलिसकर्मी हैं, उसमें हमारे नगरपालिका महाराष्ट्र शासन के लोग हैं और जो जिन लोगों के प्राण पिछले 7-8 महीने में कोरोना के माध्यम से गए, उनको सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र में हर ब्लड बैंक के अंदर जो रक्त का साठा है उसमें थोड़ी कमतरता है। आप लोग एक समाजकरण के काम का आपको बोलूंगा कि जितने भी नौजवान लोग हैं, जहां जहां पे भी अगर ब्लड बैंक है तो वहां पे जाके प्लीज रक्तदान कीजिए। रक्तदान बहुत जरूरी है। कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी महिला को डिलीवरी के समय कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो रक्त ही हमको रक्त के नाते से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट खून देना है। आज महाराष्ट्र में हर ब्लड बैंक में रक्त की कमी है। परसों सुप्रिया सुले और हमारे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी ने खुद रक्तदान किया, मैंने भी रक्तदान किया। मैं सब तरुण युवा लोगों से बोलूंगा कि रक्तदान कीजिए और अपने महाराष्ट्र को सक्षम बनाने में आप काम कीजिए। दूसरी बात बोलूंगा कि ग्राम विकास योजना का संबंध है, नगर पालिका का कुछ भी रहेगा, मतलब झोपड़पट्टी पुनर्वसन से लेकर बाकी सारी चीजें, अमित और बाकी जो भी लोग हैं
कुछ भी मसला रहेगा उनको आप बोलिए, क्योंकि ये नेता लोग ऑफिस में बैठे ये मैं नहीं चाहता, ये लोग रस्ते के गरीबों के घर में जाए, झोपड़पट्टी के सामने खड़े रहे, शिंदे और उनके मिसेस तो है आपके बीच में, तो लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्या सुनिए। इतने में सभी कार्यकर्ताओं को विनंती करता हूँ, आपने बुलाया, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा सम्मान दिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद।